आदि वनकले प्राइवेट लिमिटेड है, जयपुर बेस्ड राजस्थान की कंपनी है। ये कंपनी 3-4 स्टेटां माइनिंग का काम करती है। लुधियाना का जो कलस्टर है ये महादेव कंपनी के नाँ तो है। ये 6-7 जिले है, जिहड़े 6-7 जिले का एक ही कलस्टर है, जिहदी एक साल की क्वांटिटी साड़ी 59 लाख टन है। असीं 59 लाख टन माल कढ के वेचना है, तो गौरमेंट नूं असीं 68 करोड़ रुपया देना है। उस तो अलावा जिहड़ी साल का असी GST देनी है 5%, 60 रुपये पर टन मालकाना किसानू देना है। उस तो अलावा जिहड़ी टैक्स है, स्टैम ड्यूटी है, वह खर्चे अड है। अजे हाई कोर्ट से केस लग्या, मैं परसों GTV ते भी डिबेट ते गया सीगा। आपां नूं इस गल की थोड़ी पृष्ठभूमि ते जाना चाहिए भी मसला की है। साडा ठेका स्टार्ट होया 29 जनवरी 2020 नूं, लॉकडाउन हो गया मेरे ख्याल च 22 या 23 फरवरी नूं, उस तो बाद लॉकडाउन तो बाद जिहड़ा खुल्या है वह 8 जून नूं या 8 मई नूं खुल्या शायद। यानी सानू 15 दिन पहले माइनिंग दे मिले है, तो 1.5 महीना दे लगभग हुण मिले। इन्नी दूर स्टेट तो असीं इलीगल माइनिंग करन वास्ते नहीं आए। सरकार ने वड्डे वड्डे कलस्टर क्यों बनाए है? क्योंकि पहले जिहड़े कलस्टर सी वह पहले फेल हो चुके सीगे। 2017 सरकार आई है, उस तो बाद ऑक्शन हुई है, ऑक्शन होने तो बाद सारे लगभग ठेकेदार फेल हो गए, क्योंकि छोटे छोटे ठेकेदार सी ते आपस इन्हां दा कंपीटीशन सीगा ते सरकार दी खिस्ता। सर एक मिनट, एक गल होर आ रही है भी मतलब 15 टन दी तुसीं पर्ची दे रहे हो ते 50 टन दे करीब रेता जा रहा है। सर मेरे ख्याल च जो तुसीं गल कह रहे हो असीं उहदा सिस्टम है सरकार दा, पहले कोई भी चीज़ कहने तो पहले समझना जरूरी है। कंडे दे उत्तों गड्डी जांदी है, कंडे दे जदों माइनिंग होगी, माइनिंग होने तो पहला गड्डी कंडे ते खाली तुलूगी, वापसी जाते टाइम भरी तुलूगी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 40 ਟਨ ਭਰ ਲਏ ਕਿ 36 ਟਨ ਭਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਮਾਲ ਕਾਂਟੇ 'ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਉਤਨੇ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। फोटो खिंची, किसान झोना बीजी जांदा है, उहदी 7 जणे दी फोटो खिंच ली, उह जाके लगाती। इन्हां नूं पुछण वाला इन्हां दा खुद दा क्रेडेंशियल की है? इन्हां दे खुद के खिलाफ 4-4 मुकदमे है, वह भी किस चीज़ के? इलीगल माइनिंग दे। इन्होंने जिहड़ी पर्ची लाई है वह टिप्पर ऑलरेडी इलीगल माइनिंग फड़िया होया इन्होंने, सरकार ने। मैं नहीं किया, 2019 की गल है, मैं भी चाहिया, नहीं तो मुड़ के शायद मेरे से इल्जाम ला देंगे जी इन्हें नहीं कराता होना। सर जे तुसी इलीगल कहिंदे माइनिंग करदे हो तो शिकायत करदे क्यों ने, कारण की है? उहदा कारण यह है कि इन्होंने, देखो दो गल्लां है, इन्हों एक सब तो पहले रेते च कमी चाहिए है, टिप्पर इन्हों मुफ्त का चाहिए। इस तो अलावा देखो इतने पंजाब तो जिते जिते दरिया वगया वो थले रेता पे है। हर किसान यह चाहता है भी मेरी जमीन पट्टी जाए, मैं पटा के नाल तो मालखाने के पैसे ले लवा रेते दे, ते नाल मेरी जमीन बच जाए। कैमरा फेस सर, एक जमीन जी आप एक किला पटते हाँ तो जो मालखाना बनता है लगभग 12-15 लाख रुपया सानू मालखाना उन्हों देना पैंता है। 15 लाख रुपये तो जमीन के रेट है नहीं, फर्ज करो उन्हें मैं 12 लाख रुपये देता, उन्हें आधी जमीन का मालखाना पटा लिया, जमीन मगर उन्हें पद्धर कर ली, 5-6 लाख 7 लाख की फिर जमीन बन गई। तुम देख रहे हो हम नाल वाली जमीन इधर पट्टी हुई है ना, पंजाब जमीन लगभग नीवे क्यों है, किसी ने पटाई है तो किसी ने नहीं पटाई है। ये गल एक क्वेश्चन होर है, पंजाब की 1-1 इंच जमीन का मालिक हैगा, कोई भी किसान या जमीन का मालिक जोड़ा है वह बिना मर्जी तो कोई वढ़ नहीं सकता उसकी जमीन च, ना मैं वढ़ सकता ना कोई और दूजा वढ़ सकता है। अगर ये गल है तो सब तो पहले जिसकी जमीन पट्टी है उन्होंने क्यों नहीं वढ़ती सरकार, या वो खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं होता? रेवन्यू सरकार दे रहे नहीं करते सर, सर ना ना अभी आए बात ना ना 200 तो असं केस बनाता,
दो महीने तीन महीने जो आए हैं एटलीस्ट 200-250 ऐसी केस सुनवाए, 200-250 ऐसी गड्डियां फड़ाई है। तो अगर तुम लेटर देखना चाहोगे तो मैं इन्ने लेटर मुख्यमंत्री तो लेके सेक्रेटरी तो लेके मंत्री तो लेके तो डीसी तो लेके दिते हुए है, हर एक थाने दिते हुए है। ऐसी आधी गल कही सहते हैं ना, लेकिन घूम के गल ऐसी व्यापार कर रहे हैं। ऐसी कोर्टें जावे तो सानू रोज दिन चढ़ते 40 लाख रुपये देना है, ऐसी कितों लेइए। जिन्हां दे खोटे क्रम पहले कीते है, मैनूं इक गल होर दसो, सारे जने खड़े आपां समाजिक लोग हैं, किसी भी पिंड च रेता पट्टिया जाऊगा चोरी होगी सब तो पहले बोलूगा कौन जमीन मालिक, फिर बोलूगा कौन सरपंच, फिर बोलूगा कौन जनप्रतिनिधि। कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा, कोई बिना सरपंच नहीं बोल रहा, कोई पिंड वाला नहीं बोल रहा, वो लोग बोल रहे जो खुद रेता की चोरी करते। सर मैं कहना मैं अगर गहराई बात जाना वो तो नियम है, उसमें इनको पता नहीं है। आपको फिर मैं कहता हूँ वाटर लेवल और 3 मीटर, हूँ एक परसों टीवी वाले भी कह रहे थे 9 फुट पट सकते हो, नहीं 3 मीटर मतलब 10 फुट और वाटर लेवल, जहाँ पानी का लेवल आएगा, पानी का लेवल 20 फुट भी आएगा तो मैं 20 फुट पढ़ सकता हूँ। लेकिन उसके लिए सरकार के कंसल्टेंट हैं, जब हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराते हैं तो बकायदा उसकी जांच होती है कि यहाँ वाटर लेवल कितना है, या हवा का स्ट्रक्चर कितना है, या फलानी चीज़ कितनी है, हर चीज़ चेक होती है। उसमें उसका लिखा जाता है कि आपको इतने बाई इतने की इतनी डेप्थ की क्वान्टिटी दी जाती है। उन्हें अधूरा ज्ञान होता मेरे कोई हल लेगा। और दूसरी गल माइनिंग करनी सौखी नहीं गी, अज माइनिंग करना ठेका चलोंगे ना ना कर दे, एक साल लगता एनवायरमेंट क्लीयरेंस आने, एक साल तक उन तपाना पैंदा। पूरा पंजाब जिहड़ा 30 करोड़ रुपये 40 करोड़ रुपये साल का सी, एतकर 310 करोड़ रुपये का, एक भी पंजाब का ठेकेदार क्यों नहीं आया? पूरे पंजाब एक भी पंजाब का ठेकेदार नहीं गा, सब आउटसाइडर कंपनी है। वो भी सरकार ने इन्वेस्टर बुलाए, क्योंकि इतने के 3 बारी टेंडर हो गए फेल हो गए, कोई आया नहीं सरकार का बंदा। किन्ने टन की भर्ती कर देंगे? जो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब एक्सल है, पहली गल पर्ची ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਨਾਪ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਣੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੇ ਮਾਲ ਭਰਾ, ਪਰਚੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਟੇ ਕੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਵੇਟ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇ ਗਾੜੀ ਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਪਰਚੀ ਕੈਸੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 15 ਟਨ ਕੀ? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਪੜੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪੜੀ? ਬਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।